किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरनाथ शर्मा, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में कीट वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। विशेष कीटों की श्रृंखला में आज फिर से मैं एक नए कीट को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे चक्रभ्रंग की, गर्डल बीटल, जिसको आप लोग प्रचलित भाषा में रिंग कटर भी बोलते हैं। इसके बारे में सोयाबीन में क्या क्या करना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए, इसके बारे में बात करूँगा। देखिए, ये एक ऐसा कीट है जिसका कि नियंत्रण थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके जो नुकसान करने वाली अवस्था है, जो इल्लियाँ होती हैं, वो तने के अंदर रहती हैं और तने के अंदर तक किसी दवाई को पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे कि जिससे कि हमको दवाई पर निर्भरता कम करें, या दवाई का अगर उपयोग भी करना है तो उसे हम सही समय पर कर सकें। मैं विशेष रूप से आज छोटे किसान भाइयों के लिए एक अनुशंसा दूंगा कि जब आपको चक्रभ्रंग का या रिंग कटर का प्रकोप दिखना शुरू हो जाता है अपनी सोयाबीन की फसल में, तो उसमें ऊपर की पत्ती पहले तो मुरझाती है, लटक जाती है और फिर थोड़े दिन में सूखने लगती है वो। तो अगर किसान भाई इस तरह की सूखी हुई पत्तियों को या मुरझाई हुई पत्तियों को, लटकी हुई पत्तियों को पत्ती के डंठल के एकदम नीचे से तोड़ के एक छोटे से थैली में रखते जाएं और एक हफ्ते में या 10 दिन में अगर 2 बार भी ये प्रक्रिया कर लें, तो जितने भी चक्रभ्रंग ने अंडे दिए हैं या अंडे में से इल्ली निकली है, वो आपकी फसल से बाहर हो जाएंगी और इसलिए आपको दवाई का उपयोग भी कम करना पड़ेगा या नहीं की ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। लेकिन बड़े किसान भाई ये नहीं कर सकते, उनका रकबा ज़्यादा होता है, तो इस तरह से वो मानव श्रम के सहायता से ये काम नहीं कर सकते, वहाँ पर उनको दवाई का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। देखिए, इस कीट विशेष के लिए हमने पिछले कुछ सालों में परीक्षण किए हैं और उसके आधार पर एक नई दवाई हमने अनुशंसित की है जिसको थाइक्लोप्रिड बोलते हैं। 21.7% होती है और इस दवाई का अगर 650 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो गर्डल बीटल की काफ़ी रोकथाम होती है। किसान भाइयों, एक बात मैं फिर आपको चेतावनी स्वरूप कह दूं कि गर्डल बीटल के लिए जब रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब न करें, देरी न करें। आपको जब पत्तियां सूखती हुई दिखने लगें उसी समय इसका प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद यही इल्ली पत्ती की शाखा में से, पत्ती की डंठल में से उसको अंदर ही अंदर खाते हुए पौधे के मुख्य तने में पहुंच जाती है। और जब एक बार इल्ली मुख्य तने में पहुंच जाती है तो वहां तक किसी कीटनाशक का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं फिर से आप दोहराता हूं कि जब पत्तियां सूखती हुई दिखने लगें तब इस कीटनाशक का, थाइक्लोप्रिड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कीटनाशक ऐसे हैं जिसमें कि सिस्टमिक स्वभाव का इंसेक्टिसाइड होता है, जो कि पौधे के पत्तियों द्वारा सोख लिया जाता है। उसमें थायमेथोक्सम है, उसका प्रयोग भी हो सकता है। बीटा साइफ्रोथिन और इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन है, उसका उपयोग भी हो सकता है। और इनके सबकी मात्रा आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, अभी इनका अगर उपयोग करेंगे तो गर्डल बीटल की समस्या से काफ़ी हद तक नुकसान होगा। अन्यथा गर्डल बीटल जब आपकी फसल पकने को होती है उस समय तने के अंदर से काट देता है और वो कटा हुआ हिस्सा जमीन पर गिर जाता है, उसकी फलियां आपके हाथ नहीं आती हैं, सिर्फ जमीन से लगा हुआ थोड़ा सा हिस्सा पौधे का रह जाता है जिसमें 4-5 फलियां आपको दिखती हैं, वही आपके हाथ में आती हैं। तो उस स्थिति तक न पहुंचने दें गर्डल बीटल को और इसका यथासंभव और यथासमय इसका उपचार करें और इससे अपनी फसल को सुरक्षित करें। धन्यवाद।